हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 2.2। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। और अब हम उसे सॉल्व करने वाले हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसे सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और आखिर में आता है फार्मूला मेथड। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड ही लगता है। तो हम स्लोली स्लोली जाएंगे, आराम से जाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। कुछ इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ना एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं, कुछ इस तरह से। देखिए, कुछ इस तरह से एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है। मुझे ये जो है, क्योंकि मेरा ए बी सी, देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह से होता है। मेरा ए क्या है यहां पर, 1 है, और सी क्या है, 54। तो यहाँ पर जो आएगा डिजिट, वो ये c इंटू ए होगा, a इंटू सी। यहाँ पर जो डिजिट आएगा वो क्या होगा, a इंटू सी। और यहाँ पर जो डिजिट आने वाला है वो होगा मेरा b। तो देखिए मेरा b कितना है, बोलिए, मेरा b है माइनस 15। यहाँ पर जो डिजिट आएगा वो क्या होगा, माइनस 15। और यहाँ पर a इंटू सी मतलब 54 इंटू 1 विल बी 54 इट्सेल्फ। तो इस तरह से ये एक डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है, और यहाँ पर ए और सी को मल्टीप्लाई करके, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो यहाँ पर बचा हुआ है नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, विच इज 54। मतलब मुझे दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं 54 के, जिनको प्लस करने पर माइनस 15 आए। फैक्टराइजेशन के जरिए मुझे 54 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको हमेशा प्लस करने पर, याद रखिए माइनस करने पर नहीं, कई स्कूलों में कई क्लासेस में सिखाया जाता है प्लस या माइनस करने पर। तो इससे आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। हमको क्या करना है, हमेशा यही लेना है कि प्लस करने पर क्या है, माइनस 15, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 54। तो हम क्या करेंगे, 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 227 ज़ा 54, 39 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। देखिए, 54 इंटू वन इज इक्वल टू 54, ठीक है? दूसरा वाला देखिए, 27 इंटू 2, तो 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54। उसके बाद में देखिए, ये है 9 और ये 2 लेंगे ऊपर का, ये लेंगे तो 9 3 2 ज़ा 6, तो 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर है 3, तो 3 इंटू, ये तीनों को लेंगे आपकी, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 54। और आखिर में ये 1 जो हम ले चुके हैं, 1 इंटू 54 इज इक्वल टू 54। तो ये चार अलग अलग फैक्टर्स बनते हैं 54 के। तो मुझे देखिए ऐड करने पर क्या चाहिए, 54। तो यहाँ अगर मैं इसको माइनस 18 लूँ प्लस 3 लूँ तो भी ये क्या होगा, 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस 18 इंटू प्लस 3 करूँ इन दोनों को लेके, तो ये कितना होगा, माइनस 54 होगा। और माइनस 18 प्लस 3 करूँ, देखो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस 15 होगा। तो ये वाली कंडीशन में 18 और 3 अगर मैं लेता हूँ, तो माइनस 18 इंटू 3 विल बी माइनस 54। मुझे यहाँ पर प्लस 54 चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस 54। और माइनस 18 प्लस 3 लेता हूँ तो माइनस 15 आ रहा है। तो एक कंडीशन हो रही है, एक कंडीशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे। ये वाला देखिए, 9 प्लस 6 भी कितना होता है, 54 होता है। तो मैं लेता हूँ 9 इंटू 6, तो ये तो हो गया 54।
ठीक है, दोनों के पास अगर मैं माइनस भी रखूं तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 54, 9 6 54, और अगर माइनस 6 को मैं प्लस करूं माइनस 9 के साथ तो मेरा आंसर आएगा माइनस 15। देखिए तो ये दोनों भी कंडीशन पास करता है, अगर माइनस 6 और माइनस 9 लेता हूं तो माइनस 6 प्लस माइनस 9 विल बी माइनस 15, और माइनस 6 इंटू माइनस 9 विल बी 9 6 54, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, तो मैं लूँगा माइनस 6, मतलब कि ये वाला जाएगा, और माइनस 9, देखिए माइनस 9 को जब मैं प्लस करूँगा माइनस 6 के साथ तो वो हो जाएगा माइनस 15, और जब माइनस 9 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 6 के साथ तो वो होगा प्लस 54। इसको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, एक बार वापस से रिवाइंड करके चेक कर लेना, बहुत ईजी है। तो इस 15x को, सिर्फ इस 15x को मुझे दो टुकड़ों में लिखना है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 15x की जगह पहले मैं लिखूंगा 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ज़रा गौर से देखिए, ये माइनस 9 और माइनस 6 अगर मैं वापस से प्लस कर दूँ तो ये माइनस 15 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कॉमन इन दोनों में से और इन दोनों में से, यहाँ पर मेरे पास 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 1x कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा x माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसके पास 6x है और इसके पास 54, ये 54 को मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ 6 इंटू 9, बिल्कुल कह सकता हूँ 6 9 ज़ा 54, तो यहाँ से ये 6 और यहाँ से ये 6 कॉमन निकल सकता है, और क्योंकि मैं माइनस की साइन बाहर निकालूंगा तो अंदर की साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, x यहाँ पर बचा माइनस 6 निकल गया तो 9 बचा। अब देखिए ये चेंज क्यों हो जाएगी, आपको ये चेक करना है कि माइनस 6 इंटू एक्स विल बी माइनस 6x, वापस से वही बन रहा है, एंड देन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, और 6 9 ज़ा 54। अब ये ठीक है, अब ये जो है पूरी तरह से ठीक है, कहीं से भी रॉन्ग नहीं है, और ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके दो जो ब्रैकेट्स बनेंगे वो कॉमन बने। तो ये देखिए ये दो ब्रैकेट्स मेरे x-9 कॉमन बन गए, इनको मैं एक बार लिखूँगा x-9, और जो बचा हुआ है उसे एक बार लिखूँगा x-6 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इस x-9 को अलग लिख लूँगा x-9 इज इक्वल टू 0, और इसे अलग लिख लूँगा x-6 इज इक्वल टू 0। देयरफोर अब मैं इस माइनस 9 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी माइनस 6 को उधर भेजने पर हो जाएगा प्लस 6। तो x के मेरी यहाँ दो वैल्यूज़ आई, एक तो आई 9 और एक आई 6। तो ये दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम अभी ही कर रहे हैं आपके स्क्रीनशॉट से पहले, तो ये सारा थोड़ा डेटा मैं मिटा देता हूँ कि मुझे थोड़ी जगह बन जाए, और क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ये भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर वापस से एक डायग्राम बनाएंगे उसी तरह का, और जो x का कोएफिशिएंट है क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है प्लस में, और ये देखिए 20, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 20 1 ज़ा 20, बट इन माइनस, तो ये होगा माइनस 20। अब देखिए मुझे दो ऐसे कोएफिशिएंट ढूंढने हैं, दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं 20 के, जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो माइनस 20 आए, लेकिन ऐड करने पर आए प्लस 1। ऐसे कौन से हो सकते हैं, 20 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 10 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, एंड 2 1 ज़ा 2। तो इस या तो ये होगा 10 इंटू 2 10 2 ज़ा 20, या तो होगा ये 2 इंटू 10 4 इंटू 5 20, या होगा 20 1 ज़ा 20, या 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये देखिए अगर 10 प्लस 2 करूँ तो भी 1 नहीं होता, माइनस करूँ तो भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, लेकिन ये 4 और 5 देखिए, अगर मैं एक को 4 ले लूँ और एक को 5 ले लूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव में मेरा जो एडिशन है पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं माइनस 4 अगर करूँ तो माइनस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 1, बड़े वाले की साइन लगेगी, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 5 4 ज़ा 20, माइनस प्लस विल बी माइनस। तो मुझे ये दो फैक्टराइजेशन के लिए लेना पड़ेगा माइनस 4 एंड 5। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
चेक कीजिए, माइनस फोर प्लस फाइव वापस से कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से मुझे कॉमन निकालना है, यहाँ पर दो एक्स है, यहाँ पर एक एक्स जो कि कॉमन निकला, यहाँ अंदर एक एक्स बचा और यहाँ से फोर बचा, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा प्लस फाइव, क्योंकि ये फाइव है और ये ट्वेंटी की जगह मैं इसे कह सकता हूँ फोर इंटू फाइव, तो इसका फाइव अगर निकल जाए बाहर तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन x माइनस फोर और x माइनस फोर कॉमन आ गया है, इसे एक बार लिख लेंगे और जो बचा हुआ है x प्लस फाइव इसे अलग से लिखेंगे। अब दोनों को अलग लिख लेंगे, x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस फोर और x इज इक्वल टू माइनस फाइव, हैंस द वैल्यू ऑफ x विल बी आइदर फोर और माइनस फाइव। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू, वन एंड टू। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अभी भी स्टॉप कीजिए, रिवाइंड करके वापस देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कहिए, मैं फिर से करवाऊंगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, डोंट माइंड इट, आराम आराम से करेंगे ताकि समझ में आए। अब देखो यहाँ पर ए है टू और सी है थर्टीन, मतलब थर्टीन इंटू टू कितना हो जाएगा, ये ट्वेंटी सिक्स। तो जो मुझे मल्टीप्लाई करने पर चाहिए ना वो कितना होगा, 26। अभी तक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ए की वैल्यू 1-1 ही आ रही थी, पहली बार यहाँ पर 2 आई है, तो 13 इंटू टू विल बी 26। मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 27। तो 26 के फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं ना, तो देखिए 2 13 जा एंड 13 1 जा, तो या तो ये होगा 13 इंटू टू इज इक्वल टू 26, या होगा 26 इंटू वन इज इक्वल टू 26। इस तरह से दो ही फैक्टर बनेंगे इसके, तो क्योंकि ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 27, तो मैं 26 एंड 1 ले सकता हूँ, इनको ऐड करने पर 27 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 26। अब दोनों भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट ले लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। आसान है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, 26 प्लस y कितना हो जाएगा, ये 26y प्लस 5 अगेन 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन निकालना है, तो दिस इज 2 और ये जो 26 है इट्स नथिंग बट 13 इंटू 2, ठीक है। तो ये दो यहाँ से निकला और ये दो यहाँ से निकला, ये दो निकल गया और एक y जो यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक y बचा और इस तरफ 2 निकल गया, तो 13 बचा, y प्लस 13, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए y अलग है, 13 अलग है, बीच में कुछ भी नहीं है, जब कुछ ना हो तो प्लस 1 कॉमन निकलता है, क्योंकि ये भी y इंटू 1 है और ये भी 13 इंटू 1 है, 1 दोनों के साथ कॉमन हमेशा रहता है, तो वो 1 बाहर निकलेगा और ये इस तरह से बन जाएगा। अब जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे y प्लस 13 और जो बच गया है उसे एक बार लिखा जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और ये वाला लिखेंगे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा और ये 2y इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 होगा एंड देन ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो y की दो वैल्यूज आई, एक तो है माइनस 13 और दूसरी है माइनस हाफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक से दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके बाद वाला भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले स्क्वायर वाला होता है तो इसे स्क्वायर वाले को ऐसे रखते हैं, फिर ये होता है कोएफिशिएंट वाला जो यहाँ पर है प्लस 22m, उसे इधर लेंगे तो माइनस 22m हो गया, इस प्लस 15 को इधर लेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब मुझे वहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, देखिए ये माइनस 15 इंटू 5, तो माइनस 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस 75। तो भैया दो ऐसे डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 15 इंटू 5, ए और सी को मल्टीप्लाई करके, ये था सी और ये था ए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 75 आया और यहाँ पर मुझे आना चाहिए
ऐड करने पर -22। तो 75 के फैक्टर्स जब मैं चेक करूँगा तो आएगा 25 3 75। बड़े वाले के पास अगर मैं माइनस रखता हूँ तो -25 + 3 विल बी -22 और -25 × 3 विल बी 25 3 75 एंड माइनस प्लस विल बी माइनस। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स होंगे दो, ये होगा 5m² - 25m + 3m - 15 = 0। दोस्तों ज़रा देखना, -25 + 3 वापस से क्या हो जाएगा, -22m हो जाएगा। अब यहाँ मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, यहाँ पर एक 5 है और ये 25 मतलब 5 5 = 25, यहाँ पर एक 5 है तो ये एक 5 निकल गया बाहर, और यहाँ पर 2m है, यहाँ पर एक m है, एक m निकल गया। तो 2m में से एक m यहाँ बचा, माइनस यहाँ से m निकल गया, एक 5 निकल गया, मतलब सिर्फ एक 5 बचा। अब देखिए यहाँ से बाहर आएगा +3, क्योंकि ये क्या है 3 × 5, तो इसमें का 3 बाहर आ गया, अंदर यहाँ पर क्या बचा m, और क्योंकि प्लस साइन बाहर आई है अंदर की साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, माइनस ही होगी, और जो बचा हुआ है 5 वो लिख देंगे। देखिए m-5 दो बार आ गया है, उसे एक बार लिखेंगे m-5, और जो बचा हुआ है उसे एक बार लिखेंगे 5m + 3 = 0। दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, m-5 = 0 और 5m + 3 = 0। अब -5 को वहाँ भेजेंगे तो m = 5 हो जाएगा, एंड इस 5m + 3 को उधर भेजेंगे तो -3 होगा पहले तो, और अब इस 5 को जब वहाँ भेजेंगे तो -3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की भी दो वैल्यूज़ आई है, एक है 5 और एक है -3/5। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये पहले से ही दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है 1/2, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो इस डिनोमिनेटर के 2 को हटाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई टू। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए मैं थोड़ा लेंदी कर ही देता हूँ उसे, 2 × 2x² होगा ये, -2 × 2x होगा ये, और +2 × 1/2 होगा ये, और यहाँ पर भी ये 0 × 2 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो 2 × 2 = 4x² - 2 × 2 = 4x, और ये 2 और ये 2 कट कर यहाँ पर बचेगा +1, और ये हो जाएगा 0 × 2 = 0। अब यहाँ पर मिल गया है मुझे x, ये a × c कितना हो गया, 4 × 1 = 4। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आना चाहिए वो क्या है, 4 है, और ऐड करने पर जो आना चाहिए वो है -4। तो 4 के दो फैक्टर बनते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4। तो यहाँ 2 × 2 ही लिया जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जब 2 × 2 लूँगा वो 4 हो जाएगा, लेकिन दोनों अगर मैं माइनस लूँ तो -2 + -2 = -4, और -2 × -2 = 2 × 4, -×-= +। तो इस तरह से लेंगे इसे, पहले इसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते, 4x² ऐसे रखते, -2x + 1 = 0। देखो अभी क्या हो गया कि -2x - 2x वापस से क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, ये 4 है मतलब ये 2 × 2 है, तो एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से लिया, यहाँ पर अंदर एक 2 बचा है, यहाँ पर से एक x लिया और यहाँ पर से एक x लिया, तो यहाँ पर बचा 2 और x, और यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब के -1। अब यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस की साइन है तो माइनस लूँगा और 1 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि दोनों के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में था, जो कि दिखता नहीं है मगर हमेशा होता है, और अंदर बचेगा 2x, क्योंकि माइनस बाहर निकाला है अंदर की साइन हो जाएगी चेंज। तो आप देख सकते हैं 2x - 1 यहाँ पर आ गया है कॉमन, इसे 1 टाइम लिख लेंगे 2x - 1, और जो बचा हुआ है उसे वापस 1 टाइम लिखेंगे 2x - 1 = 0। अब चूंकि दोनों भी 2x - 1 है तो एक ही बार किया जाएगा इसे, 2x
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, एक ही आंसर आएगा इसका, ब्रैकेट में दो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर हम आगे का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इट इज 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल भी देख के पता चल रहा है इसको कि ये बिल्कुल भी भाई हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे x है, हम एक काम करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय x कर देते हैं। क्या करते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग बाय x। जब मल्टीप्लाइंग बाय x करेंगे तो ये होगा 6x इंटू x माइनस 2 अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू 1 इंटू x। तो ये x और ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब इस x को इधर लेंगे ताकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सके। तो ये होगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से होगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 टू जा विल बी 12, लेकिन माइनस में a और c को, अगर मैं c इज माइनस 2 a इज 6, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 6 इंटू माइनस 2 करता हूँ तो ये होगा माइनस 12। मतलब दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है माइनस 12, और ऐड करने पर आए माइनस 1। कोएफिशिएंट ऑफ x या b कितना है, माइनस 1, तो माइनस 1 आए। तो ऐसे दो डिजिट्स कौन से हैं, मैं कहूँगा 4 3 12, और अगर बड़े वाले के पास मैं माइनस रख दूँ तो माइनस 4 + 3 विल बी माइनस 1 एंड 4 3 विल बी 12, माइनस प्लस विल बी माइनस। तो बड़े ही आसानी से हो जाएगा ये, तो करते हैं वैसा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 4 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर से कॉमन, या तो पहले हम 3x ले लेते ताकि आसानी हो। देखिए यहाँ पर प्लस 3x पहले लेते हैं, फिर माइनस 4x लेते हैं ताकि पूरी पूरी तरह से मल्टीपल निकल जाए, कॉमन निकल जाए। यह है 6, 6 मतलब यह है 3 × 2, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, और यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कॉमन निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर 3x कॉमन निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1 और कुछ नहीं बचेगा, 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ माइनस की साइन आएगी, यह है 2 × 2, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला और ये वाला, और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 2x माइनस 1, नहीं माइनस बाहर निकला है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी प्लस 1। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कॉमन हो गया है। तो इस 2x प्लस 1 को हम एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1, और जो बचा हुआ है उसे एक बार लिखेंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये होगा 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, और 3x माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2। x इधर ही रहेगा, 2 वहाँ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, सिमिलरली x इधर ही रहेगा और 3 वहाँ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ x के दो आंसर आ रहे हैं, एक है माइनस 1/2 और एक है 2/3। इट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड हाफ ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 2.2। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मेरी बात सुन लीजिए कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये थोड़ा सा टफ है, इसे अगर एक बार ना समझ में आए तो रिवाइंड करके दूसरी बार देख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर भी ना समझ में आए तो मैं वापस से वीडियो डालूंगा और अलग तरीके से कराने की कोशिश करूंगा और स्लो कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। ये जो चैप्टर है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है अलजेब्रा का, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। और सेकेंडली इसमें से बहुत कम चीज़ें हैं 25% में जो माइनस हुई है, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसको आपको बिल्कुल दिल से पूरी तरह से करना है। नहीं समझ में आता, यकीन कीजिए अगर आप 10 बार बोलेंगे मैं 10 बार अलग अलग तरह से वीडियो डालूंगा, जब तक कि आपको समझ में नहीं आता एक भी बच्चा अगर बाकी है तो मैं उसके लिए ज़रूर डालूंगा। दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो साइनिंग ऑफ।